गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। सो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। गाइस हम लोग भी ठीक है और अभी सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग सभी लोग उठ गए हैं और अभी मतलब क्या ही बोले, काम में सब लगे हुए हैं। और मनीषा भी उधर खाना बना रही है और इधर अभी देख सकते इधर बिल्कुल ठीक है, अभी खेल रहा है वो, अभी खेल रहा है, अभी ये खाना बना रही है। अभी दिखाते हैं आज क्या बन रहा है। देखिए इधर क्या बना रही है, क्या बना रही है रे? आज मटन करी। आज मटन करी बना रही है महारानी। महारानी पता नहीं खाने को नहीं मिला है कितना दिन से, इसीलिए तरस गई थी यार। पता ही कितना, 1.5 साल हो गया शायद मैं मटन नहीं खाई। काफी टाइम के बाद मैं सोचा पापा बोले हम खाना है करके, तो फिर पापा मंगवा दिए, तो आज मैं बोली कि मैं खुद से बनाऊंगी और अपना हिसाब से बना के खाऊंगी जैसे मेरे को मन है। देख सकते इधर अभी को, अभी बेटा अभी तो खाना वगैरह थोड़ा थोड़ा खा रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा था 2 दिन से, अभी थोड़ा ठीक है। अभी सुबह सुबह कुछ खाया था, इसको ये बिस्किट खिलाया है ना बेटा, थोड़ा सा चावल भी खाया है ना, बोल दे बेटा। हाँ इससे अभी ज़्यादा शांत है, कुछ बोल नहीं रहा ज़्यादा। हम भी जाते हैं नहा धोवा लेते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है मुझे तो जाते हैं फटाफट नहा लेते हैं। सो गाइस अभी जस्ट नहा धोवा के फ्रेश हो गए और अभी जा रहे हैं थोड़ा बिस्तरा, वहाँ पे काम है। काम बोले तो वो मम्मी जी बोली थोड़ा सा क्या बोलते हैं सब्जी वगैरह लाना है और कुछ चावल पिसवाना है, और मैं अपने लिए मुझे पनीर लाना है क्योंकि मैं मटन नहीं खाऊंगा, तो मैं तो बोली कि तुम अपने लिए पनीर लेते आना। तो हम जा रहे हैं, पनीर भी ले आएंगे अपने लिए और जो चावल पिसाना है और कुछ सब्जी वगैरह लेते भी आएंगे, तो चलिए चलते हैं। सो गाइस अभी निकल गए हैं मार्केट की ओर, रास्ते में देख सकते हैं जा रहे हैं। सो गाइस अभी फाइनली बिस्तरा आ चुके हैं और वहाँ पे राशन दुकान में चावल पीसने के लिए दे दिए और अभी आए हुए हैं यहाँ सब्जी मार्केट के पास, तो देख सकते हैं इधर, और अभी जाते हैं सब्जी वगैरह लेते हैं, उसके बाद चावल किसने दिया वहाँ पे जाएंगे और चावल लेना है। तो गाइस अभी सारा मार्केटिंग वगैरह हो गया हमारा और अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा है, यहाँ रुके हुए देख सकते हैं गुपचुप खाने के लिए, अभी गुपचुप वगैरह खाते हैं उसके बाद डायरेक्ट घर निकलते हैं, ठीक है। अभी फाइनली घर आ चुके हैं और इतना ही ज़्यादा धूप था ना, क्या ही बोले, बहुत ज़्यादा धूप था, इतना ज़्यादा गर्मी कि क्या ही बोले, बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रहा है। तभी घर आए तो पंखा चल रहा था, थोड़ा अच्छा लग रहा है। और इधर बाहर से लेते आए, देख सकते हैं क्या है ये, कचौड़ी, कहाँ ये कचौड़ी, देखिए ये सिर्फ इधर ही मिलता है, रामगढ़ चाहे रांची उधर उधर नहीं मिलता है। मजा ही आ रहा है खाने में, खा रहे थे इसको, फिर ड्रेस वगैरह भी चेंज कर लेंगे। गाइस अभी ड्रेस वगैरह चेंज कर लिए और अभी इधर मेरा फेवरेट बन रहा है, देख सकते हैं पनीर का सब्जी मनीषा बना दे रही है मेरे लिए, मस्त। मुझे पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं तो भाई पनीर ही खाऊंगा, तो चलिए बन रहा है उसके बाद खाएंगे मजे से। गाइस अभी शाम का टाइम हो गया है और अभी देख सकते हैं अभी बाबू भी उठ गया था, तभी तो खरियान तरफ आए घुमाने के लिए। इधर देख सकती है मनीषा, ये भी बिल्कुल रेडी हो गई है, अभी शाम में रात को राखी बांधना 9 बजे के बाद, अभी रेडी हो गई है। अरे मन किया रेडी होने का, ठीक है कोई बात नहीं, तभी ये रेडी हो गई है, रात को राखी की बांधनी है और हम लोग सोच रहे सुबह ही ट्रेन से निकल जाएंगे यहाँ से, है ना? हाँ मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि सुबह सुबह ही निकल जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो हम लोग ना रात में ऐसे दोपहर में जाएंगे तो रात हो जाता है, तो क्या होता है ना खाना पीना बहुत ज्यादा थक जाते हैं, लेट हो जाता है ना, बात वही है। और सुबह वाले ट्रेन से जाएंगे तो क्या होगा, 12-1 बजे तक 1 बजे तक पहुँच जाएंगे, कन्फर्म है ना बोलू, आराम से पहुँच जाएंगे, तो इसलिए हम सोचे मेरे बचलू छुआ